बक्सीडीह रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को एनएसयूआई के सदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान 50 युवाओं ने संगठन से अपना नाता जोड़ा। बताया गया कि जिलाध्यक्ष सरफराज अंसारी के नेतृत्व में इस अभियान को गति दी गई। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष सैयद आमिर हाशमी और प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक वाहिद अली खान उपस्थित हुए। कार्यक्रम में आयुष आर्यन समेत अन्य कई जिला स्तर के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। मौके पर कहा गया कि एनएसयूआई देश में छात्रों की सबसे मजबूत इकाई है और यह पूरी ईमानदारी के साथ युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने में लगी हुई है। कहा गया कि कांग्रेस को मजबूत करने में भी एनएसयूआई का अहम योगदान रहा है, इसी वजह से संगठन के जनाधार को बढ़ाने का अभियान चलाया जा रहा है। बताया गया कि नए लोगों के जुड़ने से गिरिडीह कॉलेज में भी संगठन को मजबूती मिलेगी। कॉलेज का और हाई स्कूल का और ये वरांचा कॉलेज का जितना भी छात्र है सब आज एनएसयूआई का आकर के सदस्यता लिए हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाशमी जी के द्वारा, और आगे भी सब एनएसयूआई को मिलकर गिरिडीह में फिर से खड़ा करेंगे। जो पहले बहुत काफ़ी कमज़ोर था, अब उनसे हम लोग और मजबूत से एनएसयूआई काम करेंगे और हर एक मुद्दे पर आंदोलन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज गिरिडीह में बहुत सारे कॉलेज के छात्रों ने आज एनएसयूआई की सदस्यता ग्रहण की है। सबसे पहले मैं उन सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ। आज जिला की बैठक रखी गई थी जिला कार्यकारिणी, सदस्यता अभियान भी रखा गया था और ये हम लोग संगठन के मजबूती के लिए आज ये बैठक है। छात्र संगठन जो एनएसयूआई है कांग्रेस की छात्र इकाई, उसका सदस्यता ग्रहण समारोह हमारे एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष मोहम्मद सरफराज अंसारी और प्रदेश अध्यक्ष हाशमी साहब के द्वारा जिला कांग्रेस कार्यालय में रखी गई। क्योंकि मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूर्व प्रदेश प्रतिनिधि भी हूं और पूर्व एनएसयूआई का प्रदेश सचिव आज से 10 साल पहले हुआ करता था, प्रदेश में पदाधिकारी भी था, होने के नाते मैं सदस्यता ग्रहण समारोह में भाग लिया हूँ और कुछ बातें जो भी हमारे छात्र हैं छात्र संगठन की उनको बताऊंगा कैसे संगठन मजबूत होगा और आगे चल के कैसे हम गिरिडीह महाविद्यालय में आर के महिला महाविद्यालय में या आदर्श कॉलेज राजधानी जो भी कॉलेज है उसमें हम लोग कैसे परचम लहराएंगे, छात्रों का समस्या को लेकर हमको कैसे लड़ना उसको लेकर के लोगों के बीच में मार्गदर्शन करेंगे।